हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के तीन पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, एक सिंपल मेथड से भी हमने पढ़ ली थी एंड ग्राफिकल मेथड से भी हमने तीनों इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाय दी कैलकुलस मेथड किस तरह से हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की तीनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो कैलकुलस डेरिवेशंस का किस तरह से यूज़ करने वाले हैं तीनों इक्वेशंस पर। देखिए, कैलकुलस इज़ एन एडवांस्ड मैथ टॉपिक है ये, बट इट मेक्स डिराइविंग टू और थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन मच सिंपलर। देखिए, टू ऑफ द थ्री इक्वेशंस क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो इक्वेशन स्टार्टिंग की हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ट्रिक है, वही ट्रिक आज हम देखने वाले हैं। बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी लिखेंगे। तो ये जो वी है, वी का डी वी अपॉन डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो कि एक्सीलरेशन को डिफाइन करता है, यानी a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं। टेक द ऑपरेशन इन दैट डेफिनेशन एंड रिवर्स इट, हम इसको रिवर्स करेंगे। इंस्टीड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग वेलोसिटी टू फाइंड एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी हमने किया। लेकिन हम क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग वेलोसिटी टू फाइंड एक्सीलरेशन, इंटीग्रेट एक्सीलरेशन टू फाइंड वेलोसिटी। हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, वेलोसिटी को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस गिव्स अस द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इफ वी अज्यूम एक्सीलरेशन इज कॉन्स्टेंट, वी गेट दी सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए, एक्सीलरेशन है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, ये वी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। अगर हम डी वी को यहाँ लेकर और इसे हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, इक्वल्स टू ए डी टी। अब देखिए, आपको ये देखना है कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन पे, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इस पे हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगाएंगे। तो हम वी नॉट को इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं एंड ओनली जो वी लिखा है इसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो वी नॉट हो गई लोअर लिमिट एंड वी हो गई अपर लिमिट। नेक्स्ट, टाइम जीरो से हम टी टाइम तक इसको लेकर जा रहे हैं, तो अपर लिमिट टी हो गया एंड जो लोअर लिमिट है टाइम की वो हो गई जीरो। देन हम डी वी को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट हमने लगाई है वी नॉट टू वी, डी वी का हो जाएगा वी एंड इसके ऊपर जो लिमिट लगी है वो अपर लिमिट लग के फिर माइनस होगा लोअर लिमिट, तो वी माइनस वी नॉट इसका सॉल्यूशन आता है। अगर यहाँ हम बात करें तो एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर निकालते हैं। तो इसको हमने ले लिया कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर ले लेंगे। डी टी के इंटीग्रेशन की बात करें तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। स्मॉल टी पर जब लिमिट लगाएंगे, टी टू जीरो टू टी लगाएंगे, तो टी माइनस जीरो आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी, तो वी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू ए टी, ये इसका सॉल्यूशन आता है। यहाँ से हम जो फाइनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको किस तरह से हमने निकाला है, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ये जो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव था इससे हमने डी वी निकाल लिया, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी करेंगे, यानी इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, अगेन बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, पोजिशन
का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम पोजीशन को एस कंसिडर करें तो डी एस अपॉन डी टी ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। यानी एस का पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा वेलोसिटी। रिवर्स दिस ऑपरेशन, इंस्टीड ऑफ डिफरेंशिएटिंग पोजीशन टू फाइंड वेलोसिटी, इंटीग्रेट वेलोसिटी टू फाइंड पोजीशन। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी को टू फाइंड पोजीशन, पोजीशन फाइंड करने के लिए। दिस गिव्स अस द पोजीशन टाइम इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ऑल्सो नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले सॉरी डेरिवेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकाली थी, और हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या निकालेंगे, पोजीशन टाइम इक्वेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम की, तब तो वो होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड पोजीशन टाइम की हम बात करेंगे तब वो होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, यानी पोजिशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि v यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हम डी एस इक्वल्स टू वी डी टी निकालेंगे। डी एस के लिए हम s नोट, ये जो है वो इसकी इनिशियल पोजिशन है s नोट, एंड s जो है वो फाइनल पोजिशन है। उसी तरीके से जो इनिशियल टाइम है वो ज़ीरो है, एंड जो फाइनल टाइम है वो t है। तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर वी नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी, इन दो टर्म्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। डी एस का हमने इंटीग्रेशन किया, एस आया, और एस को हम लिमिट लगाते हैं एस नॉट टू एस, देन एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे, तो लिखा जाएगा एस माइनस एस नॉट। नेक्स्ट हम बात करें वी नॉट डी टी की। अगर हम डी टी को वी नॉट के साथ लें और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, वी नोट यहाँ पर कांस्टेंट, तो वी नोट आ जाएगा बाहर, लेकिन डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर लिमिट भी लग रही है, टी माइनस जीरो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ओनली टी आएगा, तो वी नोट टी हो गया प्लस ए टी डी टी। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है टी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ए हमारे पास कांस्टेंट है, ए को हमने बाहर ले लिया, और टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर कितनी है, वन, वन में एक वन प्लस हो जाएगा और डिवाइड में भी आ जाएगा वन प्लस वन, तो टी की पावर वन प्लस वन हो गया टी स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास वन प्लस वन है तो वो हो गया टू, यानी टी का इंटीग्रेशन हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हाफ जो आपको दिख रहा है या तो हम लिख सकते हैं हाफ टी स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर अपॉन टू लिखा जा सकता है, और a जो है वो यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, तो हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया है। यहाँ पर लिमिट लग गई थी अपर लिमिट t एंड जो लोअर लिमिट थी ज़ीरो, तो यहाँ पर लोअर लिमिट तो ज़ीरो है इसलिए हम ओनली टी स्क्वायर अपॉन टू लिख देंगे इसको। देन s इक्वल्स टू s नोट प्लस v नोट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन निकल गई पोजिशन एंड टाइम की। और जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी वो वेलोसिटी एंड टाइम में आई थी, तो वेलोसिटी टाइम हम देख चुके हैं, हमने पोजीशन टाइम भी देख लिया, लेकिन अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है ये हमें देखना है, और कैलकुलस मेथड से उसको हम किस ट्रिक के बेस पर सॉल्व करने वाले हैं वो भी हमें देखना है। अनलाइक द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर इज नो ऑब्वियस वे टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, द वन दैट रिलेट्स वेलोसिटी टू पोजिशन। यानी हमारे पास पोजिशन टाइम भी है, यानी पोजिशन टाइम जो है पोजिशन अपॉन टाइम वो क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है, और साथ ही हमारे पास वेलोसिटी टाइम भी होता है वो किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। लेकिन अगर दोनों फॉर्मूला में से हम वेलोसिटी एंड पोजिशन ले लें तो इनके बीच में हम कोई रिलेशन नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो रिलेशन है वेलोसिटी एंड पोजीशन में वो हम एक ट्रिक के थ्रू लेकर आएंगे। यानी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहने वाली है वो ना तो वेलोसिटी टाइम के लिए है ना पोजीशन टाइम के लिए है, बट वो वेलोसिटी पोजीशन के लिए है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस का यूज़ करके हम किस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, वी कांट जस्ट रिवर्स इंजीनियर इट फ्रॉम अ डेफिनेशन।
वी नीड टू प्ले अ रेदर सोफिस्टिकेटेड ट्रिक. हम यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड एक ट्रिक प्ले करने वाले हैं. क्या होगी देखिए, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स वेलोसिटी टू टाइम. ये हमने पहले ही देख लिया था. वी एसेंशियली डिराइव इट फ्रॉम द डेरिवेटिव ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी. उसी तरह से अगर हम v एंड ds अपॉन dt लिखे, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt लिख सकते हैं एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ ये जो dv है और यहाँ ये जो ds है, इन दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशन निकाला जाए वो हमें देखना है. द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स वेलोसिटी टू पोजिशन. बाय लॉजिकल एक्सटेंशन इट शुड कम फ्रॉम अ डेरिवेटिव दैट लुक्स लाइक दिस, dv upon ds equals to what. तो ये हमें फाइंड करना है. बट वॉट डज दिस इक्वल, यानी dv upon ds क्या होगा. वेल नथिंग बाय डेफिनेशन, बट लाइक ऑल क्वांटिटीज इट डज इक्वल इट सेल्फ. इट ऑल्सो इक्वल्स इट सेल्फ मल्टीप्लाइड बाय वन. देखिए ये जो ट्रिक काम कर रही है वो ये है, अगर dv upon ds को हम मल्टीप्लाई कर दें वन से, तो ये वन से तो मल्टीप्लाइड है ही ना. तो यहाँ हमें क्या करना है, वन की जगह हम पुट करेंगे डी टी अपॉन डी टी. ये जो वन हमें दिख रहा था वहाँ पर, वहाँ हमें क्या पुट करना है, डी टी अपॉन डी टी पुट करना है. अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें डी वी अपॉन डी एस को, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डी टी अपॉन डी टी से, तो डी वी अपॉन डी टी ये हो जाएगा एक्सीलरेशन एंड जो डी टी ऊपर बच रहा है वो डी एस से डिवाइड होगा. यानी ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी एंड जो dt अपॉन ds है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बन रही है, एक तो एक्सेलरेशन भी बन रहा है जो कि dv अपॉन dt हो जाएगा एंड जो dt अपॉन ds होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन v. तो अब इस ट्रिक्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड ए स्पेशल वर्जन ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा विथ इन्फाइटेसिमल, लुक वॉट हैपन्स वेन वी डू दिस. वी गेट वन डेरीवेटिव इक्वल टू एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी एंड अनादर डेरीवेटिव इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेलोसिटी यानी डी टी अपॉन डी एस. अगर हम क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी एस वाली इक्वेशन में डी टी अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, हमें डेरीवेटिव मिलेगा इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड इनवर्स ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट स्टेप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, गेट थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर एंड इंटीग्रेट देम. हेयर्स व्हाट वी गेट व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सीलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. देन डी वी अपॉन डी एस इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ए अपॉन वी हो गया. क्यों, क्योंकि अगर हमने डी टी अपॉन डी टी किया तो डी वी अपॉन डी टी तो हो गया ए एंड जो डी टी अपॉन डी एस था उसको हम अपन वन अपॉन वी लिख सकते हैं, वन अपॉन वी लिख सकते हैं. देन यहाँ से हम क्या करेंगे, वी डी वी कर लेंगे एंड ए डी एस कर लेंगे. अब वी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा वी का एंड यहाँ पर एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है यानी पोजिशन के रेस्पेक्ट में. तो वी नॉट टू वी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू वी विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन, ये हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं. तो v का क्या हो जाएगा, जैसे t dt का मैंने बताया था t square upon 2, उसी तरीके से v dv का क्या हो जाएगा, v के ऊपर पावर है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 से, देन v square upon 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया. 1 upon 2 को हमने बाहर ले लिया, इसमें अपर लिमिट पुट करी v square माइनस लोअर लिमिट पुट करी v नॉट स्क्वायर हो गया. एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लिया और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, s पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे देन s माइनस s नॉट हो गया. अब क्या करेंगे, ये जो 2 है जो इसके डिवाइड में है वो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2a s माइनस s नॉट एंड v नॉट स्क्वायर इधर माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a s माइनस s नॉट. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली थी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, सेकंड इक्वेशन हमें मिली थी पोजीशन टाइम के बीच में, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन हमें मिली है वो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में, सॉरी वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में हमें मिली है. ये वेलोसिटी है हमारे पास
एंड ये हमारे पास पोजीशन है। तो वेलोसिटी पोजीशन के बीच में हमें इक्वेशन निकालने के लिए कुछ ट्रिक का यूज़ करना पड़ा था, वो ट्रिक हमने इजीली समझ ली है। तो कैलकुलस मेथड से इस तरह से हम इजीली तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर्टेनली अ क्लेवर सॉल्यूशन एंड इट वाज नॉट ऑल दैट मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट टू डेरिवेशंस। हाउएवर इट रियली ओनली वर्कड बिकॉज एक्सिलरेशन वॉज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एक्सिलरेशन जो था वो कॉन्स्टेंट था, यूनिफॉर्म था, इसलिए ये वर्क कर रहा है। कॉन्स्टेंट इन टाइम एंड कॉन्स्टेंट इन स्पेस। इफ एक्सिलरेशन वेरीड इन एनी वे दिस मैथड वुड बी कम्फर्टेबली डिफिकल्ट। वी वुड बी बैक टू यूजिंग एलजेब्रा जस्ट टू सेव अवर सैनिटी। नॉट दैट देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। कुछ भी वहाँ पर रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, जो वन था मल्टीप्लाई में उसकी जगह हमने डी टी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, और उसी से ही वहाँ पर जो वेलोसिटी है एंड एक्सिलरेशन है उनका फॉर्मूला बन गया था। एल्जेब्रा वर्क्स एंड सैनिटी इज वर्ड 7। द साइंस ऑन द स्पेशल क्वांटिटी शुड बी द सेम इफ दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, opposite if they point in opposite direction, the choice of which direction is positive and which is negative is arbitrary. The laws of physics are isotropic. इसका मतलब क्या है, are not affected by your choice. Make your decision and stick with it. Be consistent. तो ये तीनों equations हमने calculus method से बहुत easily solve कर ली है। आप जितने भी notes है वो आप write down कर सकते हो, और आपको कोई भी doubt and queries है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।